इतनी बड़ी घटना और अमित शाह जी ने इसको नवादा में एक्सेप्ट कर लिया। उन्होंने साफ कहा कि राजनीति भाषा में उन्होंने दंगाइयों को उल्टा उल्टा मारे। तो हम अमित शाह जी से जानना चाहते हैं, आपने कहा किसी को सांप और किसी को कहा गिरगिट, अब बोला नीतीश कुमार से 700 जन्म में अब हम नहीं लेंगे, आप हमारी सरकार बनाइए, दंगाइयों को उल्टा उल्टा मारे। ये अब समझ लीजिए कि दंगा कराने वाले कौन है, इसके लिए पीछे क्या मनसा थी, कौन है ये पॉलिटिक्स करने में माहिर। पहला सवाल मेरा ये है कि बिहार शरीफ पहले से ही सेंसिटिव था, तो बिहार शरीफ में हम हमारी सरकार है, यहाँ मुख्यमंत्री हैं, तो साजिश टारगेट बिहार शरीफ को ही क्यों किया गया, जहाँ 67-70%, 55% मुस्लिम है, वहाँ पर एक पत्थर नहीं चली, वहाँ एक दंगा नहीं हुआ, वहाँ तुम नहीं हुआ, सारे मुस्लिम गाली सुनने के बाद भी रामनवमी में सबको गीता और पानी बांट रहे थे। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल, ये दोनों महात्मा गांधी या कर्पूरी जेपी और लोहिया हैं क्या? इन दोनों के बारे में बहुत क्लियर है कि ये लोग कंप्लीट रूप से दंगाई है, ये लोग दंगा पैदा करता है, दंगा प्रायोजित होती है। भगवान राम हो या कोई भगवान हो, वो नफरत का आधार नहीं है। आज से 10-20 साल पहले कहीं लाठी नहीं थी, तीर नहीं होता था, भाला नहीं होते थे, तलवार नहीं होते थे, हम मेला जिंदगी जीने जाते थे। अब मेला जाने से, पर्व में निकलने से डर लगता है, मौत, मेला का पर्व का मतलब अब मौत हो गया है, मौत, डर, आतंक, नफरत, समाज को तोड़ना। और ये कौन है, ना कोई सनातनी हिंदू है ना कोई मुस्लिम है, रमजान और पर्व के समय कोई भी व्यक्ति ना तो कोई पत्थर चलाएगा और ना ही कोई किसी भी कीमत पर लाठी बम चलाएगा। हम जानना ये चाहेंगे कि बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद बैनर लगा के रामनवमी में लाठी भाला निकाल कर तलवार निकाल कर ये इजाजत हमारी प्रशासन क्यों दी? क्या सड़कों पर लाठी भाला तलवार लेके जाने की इजाजत है, चाहे किसी भी पर्व में? यह सबसे बड़ा सवाल है मेरा। और दूसरी सबसे बड़ा सवाल है कि दंगा शुरुआत कैसे हुई? मोबाइल सीसीटीवी कैमरा है, वीडियोग्राफी प्रशासन की हो रही होगी, और सासाराम और बिहार शरीफ ही क्यों चुना गया? क्योंकि नवादा में अमित शाह जी आ रहे थे, सासाराम अमित शाह जी आ रहे थे, और ये गिरिराज से पूछिए ना, जो गिरिराज लंबी लंबी बात करते हैं हिंदुत्व की, इन गिरिराज से यह पूछिए क्या वाल्मीकि की मंदिर बनेगी, क्या वाल्मीकि संत रविदास की तस्वीर इनके घर में लगेंगे, क्या वाल्मीकि पासवान या राम के घर में शादी विवाह आदान प्रदान सभी हिंदू अंतरजातीय विवाह करेंगे? बहुत क्लियर है, यदि हिंदुत्व की बात है तो क्या शादी विवाह हम लोग आप एक दूसरे के समाज के बीच शुरू करें? और राम का इस्तेमाल नफरत के लिए क्यों? और 2024 के पहले पहली बार मैं जानना चाहूंगा कि राम के नाम पर पूरे देश में दंगा क्यों भड़काया गया, और सबसे ज्यादा राम के नाम पर दंगा हुआ जहां पर बीजेपी की सरकार है, जब ये बिहार बंगाल में तीसरे नंबर पर आ गए, कर्नाटक ये चुनाव हार रहे हैं,
देश में इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। अमित शाह नवादा में आए तो एक बार बिहार और बिहारी के बारे में नहीं बोले, एक बार तमिलनाडु के बारे में नहीं बोले, एक बार गरीबी के बारे में नहीं बोले, एक बार विशेष राज विशेष पैकेज के बारे में नहीं बोले, एक बार कल जो सिलेंडर का दाम बढ़ गया उसके बारे में नहीं बोले, एक बार जो पलायन होता है बिहार से उसके बारे में नहीं बोले, मेरा जो इकोनॉमिकल रोक दिया गया है उसके बारे में नहीं बोले, विकास पर, महंगाई पर, किसान पर, सिलेंडर पर, बंद पड़े फैक्ट्री पर एक बार चर्चा नहीं हुई। चर्चा क्या हुआ तो लटका के मारेंगे। मतलब है कि तुम कंप्लीट रूप से सोसाइटी को बाइफर्केशन करना चाहते हो। नीतीश कुमार जी से हम चाहेंगे हर कीमत पर स्पीडी ट्रायल करिए, 15 से 20 दिनों के अंदर दंगाइयों को सजा करिए। इस दंगा के पीछे कौन कौन आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी के नेता की भूमिका है इसकी जांच करिए। अमित शाह जी के आने के पहले सासाराम और बिहार शरीफ को टारगेट क्यों किया गया इसकी भूमिका तय करिए और देश को बताइए कि दंगा आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद ने एक साजिश के तहत किया या झंडा जिस पर हनुमान की मूर्ति लगा दी गई, क्या कभी आपने देखा कि हनुमान को दाढ़ी और मोच था? कभी राम के बगैर हनुमान का कोई मतलब? रामनवमी में राम की मूर्ति गायब, हनुमान को दाढ़ी वाला पहना दिया, लाल झंडा गायब, केसरिया ले आया, ये सब प्लांटेड था। एक ही जगह से झंडा, एक ही जगह से तलवार, एक ही जगह से भाला, एक ही तरह के झंडे। और 2024 में जब हार चुके हैं अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने बस एक आसरा समझा कि इस 24 के पहले इतना दंगा करा दो कि हम देश में पोलराइजेशन कर सके। या दंगा प्रायोजित है, या दंगा साजिश है, या दंगा समाज को बांटने के लिए है, या दंगा सरकार को बदनाम करने के लिए है, और यह अमित शाह जी के भाषा से यह कंप्लीट रूप से साफ हो गया कि अमित शाह जी, आरएसएस ने स्क्रिप्ट लिखा दंगा होने का, 24 की तैयारी के बाद ये देश को अमेरिका के तट पर ले जाना चाहते हैं, आरक्षण को खत्म कर देना चाहते हैं और संविधान को ये मिटा देना चाहते हैं। इसकी साजिश ऊपर है, नीचे नहीं। चलिए।